जी सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओ ये दे असी जाली ला रखी है, सर्दियां हो गईयां, मच्छर मुच्छर होणगे ते आ ला रखी है ते जाली अपना चल रहा वर्क आउट। और बेदी साहब नहा रहे अंदर, बेदी साहब भी शायद आ गए आने वाले। आ बेदी साहब ऑलरेडी टुक शार। ओए आप सोए नहीं, आप तो जाग ले हो, आप तो जाग ले हो। अरे किसने आपको मॉस्किटो नेट में बंद कर दिया, किसने बंद कर दिया है? सो जी मौसम बिल्कुल हो गया चेंज। हाँ ठीक है। और अभी एक्चुअली मुझे ठंड लग रही है तो फिर मनहीर को तो लगेगी, तो अभी से मैं प्रिकॉशंस ले रही हूँ, क्योंकि यही होता है कि जो ठंड होती है वो आते ही लगती है, जाते ही लगती है। तो मैं तो उसको डबल डबल पहना रही हूँ अभी। और अभी फिलहाल थे ही नहीं मनहीर के कपड़े, क्योंकि हमको था कि हम ठंड से पहले ही बॉम्बे चले जाएंगे, बट अभी प्लान चेंज हो गया, अब दिवाली के बाद जाएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि दिवाली के बाद ठंड अच्छे से हो ही जाएगी, तो मैंने फिर अभी जो घर के लिए मुझे फुल स्लीव्स के लेने थे वो तो ले लिए, बाकी कुछ मैंने ऑर्डर किए हैं, क्योंकि अभी हम लोग अंबाला भी जाएंगे, एक दो जगह जाना है, तो उसके लिए थोड़ी आउटिंग के लिए भी थोड़े मोटे वाले लिए हैं मनहीर के लिए, तो वो आई थिंक एक दो दिन में आ जाएंगे। और अभी 5:30 हुए हैं और मैं अभी बनाने जाऊंगी चाय और फिर मनहीर को कराऊंगी फीड। अभी खेल रही है, अच्छा मूड है उसका। और यार उसकी ना दांत आने लग गए हैं, मैंने तो नहीं एक्सपीरियंस किया, अभी ने अपने फिंगर से टच किया। सच्ची दांत आ गए, मैं फिंगर ना नहीं, इन्हें मेरा इतो मुंह च पा लिया है। हाँ। ये चीज ना खिची जे मैं खिचा तो रोंदी सी, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦੱਬਿਆ ਇਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਛ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਰੀਟੇਟਡ ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮ ਲੋਗ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਕੱਲ ਇਸਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ सो एक्चुअली हम लोगों ने ना पहले प्लान था कि हम लोग 16 तारीख को जाएंगे मनहीर की वैक्सीनेशन के लिए, वैसे तो 18 तक लगवा सकते हैं, फिर पप्पू वो आ गए थे तो प्लान हमने चेंज कर दिया था। सो अब हम कल जाएंगे इसकी 4th मंथ की वैक्सीनेशन के लिए, और कल ही ये 5 मंथ्स की हो जाएगी। तो फिर डॉक्टर से पूछेंगे यार टीथिंग वगैरह का क्या होता है, वैसे तो वो हम मतलब इतने अच्छे डॉक्टर हैं, हम लोग उनकी कैबिन में घुसते हैं और बैठते हैं, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं ना कि मुझे मनहीर से रिलेटेड ये सारे सवाल पूछते हैं, वो सारे आंसर सबसे पहले दे देते हैं और फिर बोलते हैं हाँ जी और कुछ पूछना है, तो वी वर लाइक नहीं हो गया जो भी हमको पूछना था। हाँ क्योंकि सारे पेरेंट्स के सेम ही क्वेश्चंस होते हैं। मैं सोच रही हूँ पहला मैं इन फीड ना करा था, सो जूगी फिर है ना, फिर सो जाएगी, दो चक्कर लगवा दे। लगवा दो ओके, ये चीज लगवा दो। चलो फिर आपको दो चक्कर लगा के फिर मैं चाय पीऊंगी। डंबल आ रहे हैं बीच, ओ देखिए आगे जो उसको 5:30 के करीब या 6 बजे इसको हम लोग फीड कराते हैं बॉटल फीड, तो उसके बाद मैं उसको चक्कर करवाती हूँ, ये सो जाती है। अभी थोड़ी सी ऐसी होगी कि मेरे को दिन में लेके जा रहे हैं। थोड़ी अजीब मैं कह रहा रात रात हर बार रात अंधेरा हो जाएगा। ओ आगे बोले दादू को ट्राई कर दो दादू, देखे भी देखे पीछे चलो डॉग आ गया, दूसरा देख आ गया उठे दिखा दे, डॉग भी दिखा दे अपनी रॉक्सी आ गई ठीक हो गई। हाँ उधर ही ले जा, चलो रॉक्सी आ गई हमारी रॉक्सी, लेट्स सी चखो पीछे पीछे रॉक्सी रॉक्सी आ गई रॉक्सी, चलो देखते हैं रॉक्सी को देखते हैं। चल फिर चल नो नो नो
चलते रॉक स्वीट जाओगी जाओगी बाबू पूरे बाबू मैं तो डर ही लग रहा भाई नहीं मैंने बहुत डर लग रहा बाबू ये देखो बाबू ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਏ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਡੱਬ ਕੜਾ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਫਾਰਮ ਛੱਡਤੀ ਜੋਗੀ 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 ਬਾਬੂ देख रही हाँ। बच्चा मनीर कौन सा बच्चा है देखो बाबू मनीर कौन सा बच्चा देखियो थले जाओ हाँ बुआ से गुस्सा होके बुआ को बाय बाय किया कि बुआ चली जा रही है मनु ना खुश हाँ चलो मैं खोल दूँ चलो बाय रॉक्सी एनु बिठाई दा मैं या पवा दा मैं देख रही है चल देखने आई देख सही मॉस्किटो नेट आगे है कम पता नहीं खोल के देखो पहले तो जाइए दवाई दी डांडो ले चलो मेरी गुड़िया रानी स्लीपिंग मोटे मोटे विंटर विंटर के कपड़े पहन के शो गाइस मैं और मनहीर कर रहे हैं गाड़ी में वेट क्योंकि अभी गए हैं मनहीर की मेडिसिन लेने होम्योपैथी क्योंकि इसको अभी टीथिंग शुरू हो रही है तो काफ़ी इरिटेशन होती है इसको वो लेने गए और एक और आप लोगों के भी कमेंट्स आए थे पप्पी भाई ने बताया था कि कोई मोती होता है तिलस्मय मोती तो वो अगर हम पहनाएंगे बच्चों को तो यू नो थोड़ा 90% कहते हैं रिलीफ मिलता है सो वो भी मैंने अभी को बोला कि पूछ लेना कि क्या पता यहाँ मिल जाए क्योंकि अमेजोन पे मैंने सर्च किया था यार मैं रिव्यू पढ़ती हूँ जब भी मैं कोई चीज़ मंगवाती हूँ तो वहाँ पर रिव्यू जो आए थे बहुत मिक्स थे कई लोगों ने लिखा था फेक मोती है कई ने लिखा है कि यू नो आधी चीज रिसीव हुई है कई ने लिखा कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बेबी को पहनने के बाद तो मुझे यही है कि मैं फिर सोचा कि मैं अमेजोन से ना मंगवा के मैं यहीं पर किसी केमिस्ट वगैरह से पूछ लेती हूँ अगर वो रखते हूँ क्योंकि पप्पी बुआ ने बोला था कि केमिस्ट रखते हैं एक बार कन्फर्म कर लेना तो अभी मैंने अपे को बोला है कि आप एक बार पूछ लेना कि अगर रखते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि अमेजोन पे पता नहीं कि जो मोती है वो रियल होगा या नहीं होगा तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अगर आप लोगों में से किसी ने भी अमेजोन से मंगवाया है और आपको लगता है कि आपके बच्चे ने पहना है और उसको रिलीफ मिला है तो वो मुझे लिंक मतलब भेज दे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दे वो लिंक कि कौन सा मोती उन्होंने अमेजोन से मंगवाया तो मैं वही मंगवा लूंगी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मोती दिखे हैं तिलस में बट मुझे ये नहीं पता ओरिजिनल कौन सा है क्योंकि मैंने सबके रिव्यू पढ़े और वो बहुत ही मिक्स थे यार तो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ प्लीज़ आप मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए यहाँ पर मेरी कुचिया फिर कुछ शडानी बन गई है शडानी मेरी कुछ भाई शडानी बन गया है मेरा बच्चा शडानी बन गया पीछे मैचिंग मैचिंग पहनी है आपने तो मैंने इसको थोड़ा विंटर का पहना दिया क्योंकि अभी बाहर आना था थोड़ा मोटा और इसको आदत नहीं है तो वो भी एक इरिटेशन का कारण हो सकता है बतीरिंग तो है ही यार कन्फर्म है आप कल डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूछते हैं उनको दिखाऊंगी कि वो क्या बोलते हैं जी ये आ गया बेबी द नेट फॉर द प्रैम हम अपने नेट ला के देखते हैं कैसी लगी है भोल लाल भी जाड़े उठ गए नहीं अद्धी नहीं चल इधर नु कर दो थोड़ी प्रैम हां मतलब है पीछे तक जाऊंगी नाइस ये मर्दी कर दो
रात दे बज गए एक डेढ़ एक सतारा बेदी साहब पिछले डेढ़ घंटे दे मनहीर नू सुवाण दी कोशिश कर रहे उठ के हसन लग जांदी व्हाट इज दिस नॉनसेंस मेरा बच्चा ओए बॉय फोलू लाल ओए फोलू लाल मेरे बेटे फोलू लाल मेरे बेटे फोलू लाल नहीं सोना सोना नहीं है ओए एक बज गया रात का फोलू लाल मेरा बेटा मेरे सामने वाली खिड़की में एक मोटा सा भोलू रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक मोटा सा भोलू रहता है कुड़ियां जिन्नी मर्जी किसी कर लेन बच्चे खुश रहते हैं ना मैं नहीं कर सकता आई मिस दैट सेव करके भी फिर भी चूहेगी ना इनू आपको सुलाया मैंने आपको नींद नहीं आई हैं दो घंटे से सुला रही हूँ